जमालपुर महादलित मोहल्ले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया श्री राम खिचड़ी का आयोजन। शेखपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समरसता विभाग के तहत नगर के जमालपुर मोहल्ला के अनुसूचित जाति टोले में श्री राम खिचड़ी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के समरसता के प्रांत प्रमुख अनिल कुमार, स्थानीय ग्रामीण सुखदेव अशोक रविदास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन उपरांत स्वयंसेवक ने सुभाषित, सामूहिक गीत, एकल गीत अमृत वचन गाकर सुनाया। प्रांत प्रमुख ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मकर संक्रांति उत्सव आम लोगों में समरस भाव जगाने के लिए मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर ही भगवान सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसे शुभ का प्रतीक माना जाता है। दूसरे रूप में देखा जाए तो किसानों को नए फसल धान, तिल, गन्ना की प्राप्ति होती है। इन नए फसल को किसान ईश्वर को समर्पित कर भोग करते हैं, जिससे किसानों को खुशी मिलती है। सह जिला कार्यवाह अभय कुमार विद्रोही ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ले के 51 परिवार 20 स्वयं सेवकों से सहयोग लेकर खिचड़ी बनाया गया। समरस समाज बनाने के लिए सभी एक साथ बैठकर कर खिचड़ी खाए। मौके पर धर्म जागरण के पंकज शर्मा, बजरंग दल के जिला संयोजक ललन पांडेय, जिला प्रचारक रंजीत राठौर, सन्नी कुमार, ध्रुवकांत, मुख्य शिक्षक नीलेश चंद्रा, चंद्रशेखर कुमार, अमन सुंदरम, गोपाल कुमार सहित अन्य स्वयंसेवक एवं ग्रामीण उपस्थित थे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 6 उत्सव मनाते हैं, उसमें से ये मकर संक्रांति उत्सव भी है। ये जो मकर संक्रांति उत्सव है, ये संघ की जो शाखा लगती है, शाखा के स्वयंसेवकों के द्वारा जो सेवा बस्ती है, जो हमारे दलित बंधु हैं, उनके बीच में स्वयंसेवकों के द्वारा मनाया जाता है। आज जो देश की हालात है, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि अरे भाई दलित का हम जो है नेता हूँ, मैं दलितों के भलाई के लिए मैं कई प्रकार की, सरकार भी बोलती है कि योजना है, लेकिन योजना बनाने से और कर बोलने से नहीं होता है, इसके लिए करना चाहिए। इसीलिए हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा दलित बस्ती में जाकर आज ये श्री राम खिचड़ी का जो कार्यक्रम हुआ है, संघ का स्वयंसेवक नहीं किया है, ये हम करीब आज 50 से 60 घरों में चावल दाल इकट्ठा कर एक जगह पूरे अपने परिवार, दलित समाज जो परिवार है, उसके साथ बैठाने का जो है, और बैठाकर जो है, जो हमारा जो भेदभाव है, वो भेदभाव कम करने का जो है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना काल से ही जो है चलते आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक चीज़ और देखें कि आपके यहाँ इस माध्यम से खिचड़ी या श्रीराम खिचड़ी के माध्यम से CAA कानून के तहत भी आप लोगों का जो है पर्चा बांटा जा रहा है, इसका क्या मामला है? हाँ देखिए, ज़्यादा इस विषय पे हम जाने की आवश्यकता नहीं है, आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं। आज जो है CAA है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। आज देश के अंदर में कई प्रकार की जो है आरक्षकता को जो है रूप दिया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक शरणार्थी, ठीक है, एक शरणार्थी है और एक घुसपैठी है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सरल सी भाषा में बोलते हैं कि भाई साहब, तो आप क्या कहेंगे? बाबू कहेंगे। अगर हम आपको सम्मान नहीं देंगे तो आप ही हमको सम्मान नहीं दीजिएगा। तो ये जो आज जो है पूरे देश के अंदर में हर जगह कई प्रकार के जो है राष्ट्रीय संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये संघ नहीं कर रहा है। ये आप देखिए, महात्मा गांधी भी जो है CAA के समर्थन में रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, आपका जो है राजस्थान की जो सरकार गहलोत सरकार जो है, उन्होंने कई जो है अपने जो है आपके जो है अल्पसंख्यक बंधु जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने यहाँ की नागरिकता दी है, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों, दलों के द्वारा इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में, आप लोगों के द्वारा जागरूकता चलाया जा रहा है अभियान इसमें? वो आने दीजिए, सब देख रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत हुआ। क्या है संघ के आप? मैं संघ के प्रचारक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.